नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंसल सोशल साइंस से आपके साथ लगातार हम लोग वीडियोस करते रहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। आज की दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है वेस्ट को लेकर। लोग वेस्ट को देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि कुछ साथी हैं, कुछ भाई हैं, कुछ बहनें हैं जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि पूरी दुनिया का वेस्ट हम मैनेज कर पाएँ। शायद ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया का वेस्ट हम कभी भी मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक हमारे साथी हैं पुनीत अरोड़ा जी, जो लगातार वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोज़ लेकर आते हैं, ऐसी ऐसी जानकारी हमारे साथ लेकर आते हैं जो आगे पहुंचाना ज़रूरी समझते हैं, सब तक बांटना ज़रूरी समझते हैं। पिछले कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो किया था एसटीपी से जो वेस्ट निकलता है उसके ऊपर, तो वो कितना सही था कितना गलत था। तो हमने उनको इनवाइट किया है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ हैं पुनीत अरोड़ा जी, उनका मैं इस बातचीत में स्वागत करता हूँ। सर, आपने जो वीडियो किया था एसटीपी से वेस्ट के ऊपर, ह्यूमन वेस्ट के ऊपर स्पेशली, जो मैन्योर की आपने बात की थी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि वो वीडियो में क्या दिखाया था पहले तो आप। देखिए, उसमें मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हमारे शहर का जो ह्यूमन वेस्ट है वो वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद उसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो है उसमें सॉलिड मटेरियल रह जाता है, उसको बायो सॉलिड्स कहते हैं, और एक उसमें लिक्विड रह जाता है। तो लिक्विड बाकी मतलब जो है प्लास्टिक गंद वगैरह जो है वो रह जाता है, तो उसको जब वो ये लोग सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस्ड मटेरियल बचता है उसको बायो सॉलिड कहते हैं। उस मटेरियल को ये लोग सुखा लेते हैं, और वहाँ के ऑफिशियल्स अपील कर रहे थे कि कोई भी किसान वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में ह्यूमन मैन्योर लेके जा सकता है। तो मैंने उन्हीं की बात बढ़ाते हुए आगे उस वीडियो को बनाया था। उसका जो लिक्विड जो मटेरियल होता है उसको वो कई तरह की डाइजेस्टिव प्रक्रियाओं से निकाल के उसमें से माइक्रोब्स डाल के उसको साफ सुफ करके उस पानी को भी वो रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जो बायो सॉलिड्स हैं वो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टैंक बनाए हुए थे, तो 7-8 टैंक बनाए हुए थे, तो उन टैंक्स में उनको सुखाते हैं। उसमें वो बता रहे थे कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो लिक्विड होता है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वो धीरे धीरे सूख के फाइनली वो बिल्कुल एक जैसे हमारी गोबर खाद होती है उस रूप में हमारा ह्यूमन मैन्योर भी बन जाता है। तो वो उसके बारे में बता रहा था कि वो फ्रीली अवेलेबल है लोगों के लिए। तो आपने हमें जो बताया कि घरों से जो निकलता है वेस्ट निकलता है वो एसटीपीज़ में जाता है, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, मैंडेटरी है आजकल हर एक शहर अपना वाटर ट्रीट करना, वहाँ जो बचता है मटेरियल उसमें से लिक्विड को सुखा लिया जाता है, और बाकी जो बच जाता है उसको बायो सॉलिड बोलते हैं। वो बायो सॉलिड जो होता है वो एक तरह की मैन्योर होता है, एक तरह की खाद होता है, जिसको हम जगह जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। करोड़ों का बिजनेस है खाद का, हम जब खरीदते हैं एक चाहे 10 रुपये का पैकेट में जाएं, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं उसको अगर मान ले तो करोड़ों का एक बिजनेस है। ठीक उसी समय पर करोड़ों रुपया वेस्ट हो रहा है, वो मैन्योर जो वहाँ पे है उसको लोग लेके नहीं जा रहे हैं, ऑफिशियल्स अपील करते हैं कि ले जाइए। और उन्होंने हमें ये बताया भी, वीडियो में भी ये जिक्र हुआ था कि जो लोग लेकर गए हैं उनकी फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव है, ये बहुत बढ़िया खाद के रूप में काम करता है, तो क्यों नहीं लेके जाते हैं लोग, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। सर, कोई कारण आप बता सकते हैं कि क्यों लोग लेके नहीं जाते हैं? देखिए, जो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे लोगों का मानना है कि ये इंसान का मलमूत्र है तो उसको अपने खाने वाली चीज़ में न डाला जाए, नंबर एक। नंबर दो, उसमें से बदबू आएगी। नंबर तीन, वो कुछ लोगों को टेक्निकली ये पता है कि ये खाद बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो उसको डायरेक्ट डालने से कई पौधे जो है कई बार मर भी जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन मैन्योर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, नमी, बहुत सारी न्यूट्रिशन होता है, यूरिया होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फरस होता है, बहुत सारा मटेरियल होता है। तो इस 3-4 कारण हैं मेन जो इसलिए नहीं यूज़ करते। सबसे बड़ा कारण है कि एक तरह का स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है कि वो इंसान का मलमूत्र कहीं खाने वाली नहीं डालना चाहते और बदबू आती है, इसके कारण लोग उसको नहीं इस्तेमाल करते। इसके अलावा जो लोग विद्वान हैं, जो लोग थोड़े से ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, उनको ये समझ है कि इंसान जो होता है वो बायो मतलब मटेरियल तो खाता है, लेकिन साथ में फार्मास्यूटिकल मटेरियल भी बहुत ज़्यादा खाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स खाता है, तो वो उसके यूरिन में, उसके मलमूत्र में भी निकलता है। और हमारे जो एसटीपीज़ हैं इंडिया में जो हैं या फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा हैं कंट्रीज़ में, तो इतने एडवांस नहीं है कि उसमें से एंटीबायोटिक्स वो सेपरेट कर पाएँ और फ़िल्टर कर पाएँ। और एडवांस जो एसटीपीज़ हैं वो सही मायने में एंटीबायोटिक्स जैसी चीज़, फार्मास्यूटिकल्स जो टॉक्सिन्स हैं या जो केमिकल्स हैं जिनसे मटेरियल बनता है वो नहीं करते। और आजकल आप देखोगे कि इंसान ओवरऑल वर्ल्ड में
एक ट्रेंड है कि लोग रोज रात को या सुबह उठ के विटामिन्स की गोलियां खाते हैं, और हर चौथा बंदा, इंडिया इज अ कैपिटल डायबिटिक कैपिटल है ना, और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस है, बहुत सारी लोगों को कई तरह की बीमारियां हैं, तो वो सब जो दवाइयां लोग खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका अवशेष जो है, उनका कुछ पार्ट जो है वो बॉडी में से बाहर निकलता है, और वो एज अ पार्ट ऑफ आर यूरिन, एज अ पार्ट ऑफ आर मलमूत्र, तो एंड इट सेम गोज़ फॉर आर कैटल ऑल्सो। आपको पता होगा कि हमारी जो गायें भैंसें हैं उनको, उनका दूध ज़्यादा निकालने के लिए लोग उनको टीके दे रहे हैं, उनको भी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। जो मुर्गियां हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, मुर्गियों का पेट खाली कर देते हैं एंटीबायोटिक्स डाल के, ताकि उनका वेट 45-60 दिनों में बढ़ जाए, और उनके भी मलमूत्र, उनकी जो जो खाद होती है उसके अंदर भी बहुत सारा एंटीबायोटिक के रेजिड्यू रह जाता है, और ये हर एक में दिक्कत है। लेकिन मतलब उसका सोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं तो ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो दो तरह की हमें समझ आती हैं जिसकी वजह से लोग वो मैन्योर नहीं लेके जा रहे हैं। एक तो है स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, कि वो जो एसटीपी का वेस्ट है वो आदमियों का वेस्ट, का वेस्ट है, इसलिए वो लेके नहीं जाना है। दूसरा ये है कि वो जो मलमूत्र है जिसको सुखाएगा आप, उसको मलमूत्र की बजाय मैं मैन्योर कहूँगा, वो जो खाद है उस खाद में ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक हो सकते हैं जिसको अलग नहीं किया जाता। तो जिसको अलग नहीं किया जा सकता उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में और चर्चा करेंगे, अभी हम और प्रश्न उत्तर करेंगे उसके बारे में। लेकिन जो सोशल स्टिग्मा है, देखिए अब जो कुछ शहरों में रहते हैं वो लोग मलमूत्र को हाथ नहीं लगा सकते, गाय के भी, भैंस के भी उसको हाथ नहीं लगा सकते, तो ये हर एक आदमी का अपना अपना स्टिग्मा होता है, उसका एक लेवल होता है। तो वो लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं, हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, ना ही हम उनको फोर्स करना चाहेंगे, वो उनकी अपनी जीवन शैली, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो लोग जो खाद के साथ काम करते हैं, जिनको खाद को हाथ लगाते हैं, तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि वो खाद वर्मी कंपोस्टिंग है या एसटीपीसीआई हुई है, तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। तो वो स्टिग्मा आप एक बार अपनी कसौटी पे ज़रूर परखिएगा कि वो वहाँ जाके विजिट करके देखिए, उस खाद के साथ हाथ लगा के देखिए या उसको दूर से देखिए, ताकि आपको समझ आए कि कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो हमें पता ही नहीं और हम उसको मना कर रहे हैं। तो वो तो एक बात हुई स्टिग्मा के बारे में। अब जो दूसरी बात इन्होंने हमें बताई कि उसमें एंटीबायोटिक हो सकती हैं, दवाइयां हो सकती हैं, विटामिन्स की ओवरडोज हो सकती है, वो साथ उन्होंने कहा कि वो तो जानवरों के अंदर भी हो सकती है। कितनी होती है ये अभी हमें साइंटिफिकली शायद हमारे पास स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन ये समझ तो है, और आप देखोगे कि साइंटिफिक कम्युनिटी में इस तरह के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो ये प्रूव कर रही हैं, बता रही हैं कि इनमें कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स का फार्मास्यूटिकल रेजिड्यू कुछ ना कुछ रह जाता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपकी बात बढ़ाते हुए कि इसको स्टिग्मा है, तो लेकिन ये गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इसमें ले सकती है। गवर्नमेंट के अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट का अपना एक बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर एसेट्स होते हैं जिनको उन्होंने खाद देनी है, पानी देना है, पेड़ लगे हुए हैं उनके, उनके जंगलात एरिया है, तो गवर्नमेंट तो इसमें मैं कर सकती है ना इसमें, तो गवर्नमेंट वहाँ के ट्रक उठा के जो जहाँ पे जिस एरिया में फॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन करनी है, दोबारा से जंगल उगाने हैं, या जहाँ पे स्ट्रीट पेड़ उगाने हैं, पेड़ों जो जो हमारी लेन्स हैं वहाँ पे पेड़ों को इन ह्यूमन मैन्योर से उनको वो कर सकती है, और प्लस इनकी एप्लीकेशंस को जब वो लार्ज स्केल पर जब अप्लाई करेगी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लोगों में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, और वो सोशल स्टिग्मा इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो कम होगा। जी बिल्कुल। तो आपने हमें एक सोल्यूशन भी बताया है कि अगर आम लोग उसमें, उनको स्टिग्मा है या अभी एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कम से कम ऐसा किया जा सकता है कि एजेंसीज या बड़े जो बिल्डर्स हैं जिनके एकर्स में कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, या रोड के किनारे जो कंपनीज हैं जो रोड्स बना रही हैं आजकल प्राइवेट तौर पर, उसके साथ जो दोबारा वृक्षारोपण किया जाता है, तो उन एरियाज़ में तो इसका यूज़ किया जा सकता है। और क्यों करना है यूज़, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। हम लोग हमेशा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, और एसटीपीज आजकल किसी भी शहर की लाइन की तरह बनते जा रहे हैं, उसका पार्ट बनते जा रहे हैं। अगर हमारे एसटीपीज नहीं चलेंगे तो हमारा वेस्ट जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और आम तौर पे कई वजह होती हैं कि वो एसटीपीज प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, या तो उनके पास ज़्यादा जो ये मैन्योर हम बात कर रहे हैं जमा हो जाता है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गोबर भी आ जाता है जो पशुओं का निकलता है वो आ जाता है। तो पशुओं को गोबर को भी खाद कैसे बनाया जाए उसके ऊपर हमने लगातार बातचीत की है। तो दूसरा जो एरिया है, अगर ये खाद का भी उपयोग होना शुरू हो जाए तो हमारे एसटीपीज को बहुत सहारा मिलेगा, और वो एसटीपीज अपनी फुल फंक्शनैलिटी के साथ काम कर पाएंगे। तो हम एक सोल्यूशन के तौर पे यहाँ इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि जो हमारे
इलाके ऐसे हैं जो ओपन एरियाज हैं, वहाँ अगर ये खाद का इस्तेमाल एजेंसी शुरू कर दें तो ना सिर्फ हमारे एसटीपीज प्रॉपर काम कर पाएंगे, लोगों के अंदर जो स्टिग्मा है उसके ऊपर भी काम होगा। तो एक दो प्रश्न हम सर से और करेंगे। सर आपने ये बताइए कि ये जो खाद है जिसकी हम एडवोकेसी कर रहे हैं अभी, इसकी एफिकेसी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके जो मैंने खुद भी ट्रायल्स करे हैं, और लेकिन ट्रायल्स करने के लिए मैं पहले ये बता दूं, इसकी जो थोड़ी सी मैं बता दूं कि लोगों को डोसेज इसकी बता दूं कि इसको हम डायरेक्टली वहां से लाके नहीं यूज़ कर सकते, इसके अंदर दूसरी खाद जैसे पत्तों की खाद है या इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके हमेशा लगाना चाहिए, तो उस तरह के हमने ट्रायल्स करे हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो गोबर खाद जैसा ही है, और उसे हो सकता है बढ़िया हो, लेकिन इतने लार्ज स्केल पर हमने नहीं किया है, लेकिन इतना है कि उससे 100% कंपेरेबल है और बहुत अच्छा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब इट कैन एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट, देयर इज नो इशू अबाउट इट, और बड़े मतलब इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं बिना हिचक के, बिना कोई दिक्कत के। जी, तो सर ने अपने घर में उसका ट्रायल भी करके देखा है, उसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है ये भी बता रहे हैं, और भी किसी की क्वेरी होगी इस बारे में तो हम लोग ओपन रहते हैं, आप हमारी इस वीडियो की थ्रेड में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लीज़ सर का जो वेबसाइट है अपनी roda2000.com उस पर भी जा सकते हैं और उन पर नंबर भी ले सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश होते रहते हैं हमारे ग्रुप में, हमारे अलग अलग पोस्टर्स पर आप हमारे नंबर देख सकते हैं। हम लोग अवेलेबल रहते हैं कि कोई भी रिसर्च बेस्ड आप क्वेरी करते हैं या आप हमें कुछ सिखाना चाहते हैं जिसे हम बाकी लोगों के साथ बांट सकें, उसके लिए हम हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए इस टॉपिक पे बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ वीडियो को कंक्लूड करने से पहले हम सर से बात करते हैं कि अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो सर अपनी बात हमें बताएं। मैं एक लास्ट में एक ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि क्योंकि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में तो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं वो लोग गोबर को भी नहीं हाथ लगाते, तो इसको भी लगाना एक दिक्कत है, तो उसी तरह की कुछ जनरेशन हमारी यहाँ पे है, अगर उसको वो हाथ नहीं लगा सकती तो इसका एक सलूशन और है, और वो सलूशन ये है कि अगर इस बायो सॉलिड्स को लेके हम एब्सेंस ऑफ एयर में अगर इसको जलाएं तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बायोचार, और बायोचार एक अनदर फॉर्म है कोयले की। तो इसको भी, इसके अंदर क्या होगा कि जो इसके अंदर जो वॉलेटाइल मटीरियल होगा वो हवा में उड़ जाएगा, इसकी जो जितनी गैसेज हैं वो उड़ जाएंगी, और जो बाकी जो बचेगा वो एक तरह का कोयला बचेगा, और उस कोयले को हम दो तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़ तो उसका एज ए फर्टिलाइज़र ही है ना, और उसको उसके अंदर कोई बदबू नहीं होगी, और उसमें किसी को पता भी नहीं होगा कि ये बायोसॉलिड था या ह्यूमन मैन्योर था पहले। दूसरे नंबर पर इसी मटीरियल से ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं, एग बनाए जा सकते हैं, इसको ऐड किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ों में जैसे हमारी जो सड़कें बनती हैं जो जैसे लुक से होती है, स्पार्ट से बनती है, तो उसमें इसको और ऐड करेंगे तो इससे और जो अच्छी जो है जो सड़कें हैं वो और अच्छे बनेंगी, और इसके बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल के यूटिलाइजेशन के इसके जो पर्पसेस हम निकाल पाएंगे, इसका पेंट बन सकता है, इसका प्लास्टर बन सकता है, और बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं अगर हम इसका सही मायनों में एसटीपीज का अगर चाहें इस वेस्ट को यूज़ करने में। दूसरा, जाते जाते लास्ट अपील आपको ये बताना कहना चाह रहा हूँ कि आप देखें अगर 100 लीटर हमारा लिक्विड वेस्ट है, ह्यूमन लिक्विड वेस्ट है, मतलब यूरिन वाला वेस्ट है, तो उसमें से सिर्फ 1% यूरिन होता है और 99% उसमें पानी, टैप वाटर ही होता है, साफ पानी होता है। तो अगर हम साफ पानी 99 लीटर पानी 1 लीटर यूरिन को हैंडल करने में लगा रहे हैं और उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बड़ी दूर और फिर करोड़ों रुपये का एसटीपी लगा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अभी हमारा एक समय ऐसा आ गया है कि हमारे को जो यूरिन है उसको हैंडल करना और जो हमारा दूसरा सॉलिड वेस्ट है उसको हैंडल करने के लिए इसको भी बाइफर्केट करें और उस तरह के हम अपना प्लम्बिंग इक्विपमेंट करें तो हम बहुत ज़्यादा जो है ये हाई कॉस्ट जो है वो बचा सकते हैं जी। क्योंकि अगर हम यूरिन को अलग से सिर्फ 1 लीटर यूरिन को अगर हम स्टोर कर लें और उसमें 99 लीटर पानी ना डालें तो 1 लीटर स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान है। तो मेरा कहना यह है कि थोड़ा टेक्निकली हमारे को सोचना चाहिए कि हमें इस आफ्टर ऑल इसका करना क्या है। जंगल के अंदर करोड़ों जानवर होते हैं, वहाँ पे हमारे को उनकी वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती, वो हमें कुछ सोचना चाहिए कि हमारे को किस तरह
अपना भी कुछ, इंसान को भी कुछ इस तरह करना पड़े कि हमारी वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कुदरत अपने आप ही कर दे। जी, तो आपने हमें बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस दे दीजिए। बायोचार की बात आपने करी और अपना वेस्ट भी घर में मैनेज करने की बात करी। इसके बारे में डेफिनेटली हम आपसे और बात करेंगे और अलग से पॉडकास्ट करेंगे। बायोचार एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारी एंटरप्रेन्योर जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो जिन तक भी हमारा वीडियो पहुंचेगा तो ऐसी और एंटरप्रेन्योर आइडिया के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। STPs जो लग रहे हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजी काम करती है, किस तरह से उसमें एंटरप्रेन्योरशिप निकल सकती है, वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप निकल सकती है। हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात ज़्यादा करते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम लोग उस बारे में और चर्चा कर सकें। आप हमसे बातचीत करने के लिए आज आपका बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हमसे प्रश्न भी पूछेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का जवाब भी दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल।